हमारे साथ डायरी के साथ बैठे। अब हम गंभीर बातों को सीखने वाले हैं, उसके वचन को। अपने हृदय को तैयार करके रखना कि हर चीजें उसे स्वीकार करें जो यीशु हमें दे रहे हैं। आमीन। सुनना उसे ध्यान से जो बातें प्रभु आज आपको देने वाले हैं। हम पढ़ेंगे इस बात को मत्ती अध्याय 13 और उसके 58 आयत को हम आपके साथ पढ़ेंगे, और वहां एक महत्वपूर्ण बात लिखी गई है। मत्ती अध्याय 13 और उसके 58 आयत को याद रखना कि हमारी भूमि जैसे तैयार है उसी अनुसार हमारी जिंदगी में फसल। मत्ती 13:58 का आयत नोट करो और लिखो। और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किए। अविश्वास के कारण यीशु मसीह आपके जीवन में सामर्थ्य के काम नहीं कर सका। अविश्वास की दशा यीशु को रोक देती है। अविश्वास, बोलो अविश्वास, विश्वास की दशा नहीं, अविश्वास। वचन को देखो प्रियजन, गर्मी थोड़ा लगती है, लगने दो, चिंता नहीं। इस बात को याद रखना, थोड़े समय हमारे पास, थोड़ा टाइम है। बोलिए, उसने वहां उनके अविश्वास के कारण। ये जो लिखा है उनके का मतलब भीड़ जो सामने यीशु मसीह के सामने खड़ी थी, उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ्य के काम नहीं किया। यीशु मसीह उनके अविश्वास के कारण उनकी जिंदगी में सामर्थ्य के काम नहीं कर सका। उनकी मनोदशाएं विश्वास योग्य नहीं थी, उनके विचार विश्वास योग्य नहीं थे, उनका हार्ट विश्वास योग्य नहीं था, उनका मन परमेश्वर के लिए खुला हुआ नहीं था। वो कब्जे में थे, वो किसी संसार के वातावरण में जी रहे थे। संसार की ये हवाएं जो प्रदूषित हवाएं हैं उनके मनों को दूषित कर दी थी, और उनके अंदर अविश्वास की स्थिति थी। कौन सी स्थिति? सब जन बोले, कौन सी स्थिति? अविश्वास की स्थिति। और अविश्वास के कारण यीशु मसीह वहां सामर्थ्य का काम नहीं कर सका, वहां छुटकारा नहीं दे पाया। लोगों के अंदर बीमारियां थी पर उनके अंदर अविश्वास भी था। लोगों के अंदर समस्याएं थी पर उनके अंदर विश्वास नहीं था, अविश्वास था। और अविश्वास के कारण यीशु आप में काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका संबंध आपसे तब जुड़ेगा जब आप विश्वास की आत्मा में होंगे। आमीन। हमारा संबंध यीशु से कैसे जुड़ता है? विश्वास की स्थिति में कि अविश्वास की स्थिति में? बोल के बताइए सब जन। हमारा संबंध उस सच्चे परमेश्वर से विश्वास की स्थिति में जुड़ जाता है, और जब हमारा संबंध विश्वास की स्थिति में उससे जुड़ जाता है तो उसका हर सिग्नल, बोले सिग्नल को क्या बोलते हैं हिंदी में, हैं? सिग्नल को क्या कहते हैं? संकेत। गुड। सिग्नल मिलता है स्वर्ग से, संकेत जो मिलता है उसे हम पाने लगते हैं। किस स्थिति में? बोले विश्वास की स्थिति में। बोले विश्वास की स्थिति में। हर सिग्नल जो पिता हमें देना चाहता है, यीशु जो हमें देना चाहता है, वो हर सिग्नल, हर संकेत हमारी जिंदगी में मिलने लगेगा। आमीन। याद रखना, आज प्रभु आपके लिए बड़ा काम करना चाहता है। यीशु आपके लिए आंसू भी बहा रहा है, यीशु आपके लिए रो रहा है। कारण यह है, वो कह रहा है, हे मेरे बेटे और बेटियों, अविश्वास की स्थिति में नहीं पर विश्वास की मनोदशा में मुझे पुकार। मरुभूमि है विचार, मरुभूमि है मनोदशाएं, मन हरा भरा नहीं है, मन के अंदर मरुभूमि है, मरी हुई दशाएं जी रही हैं। हमारी पुकार उसके पास नहीं पहुंच पाती, उसका संकेत हमारे जीवन में नहीं आ पाता। हम बुलाते हैं, वो नहीं सुनता, पर वो कह रहा है आज,
ये कारण है अविश्वास के कारण। कौन सा कारण है? अविश्वास के कारण। वो बहुतों को चंगा नहीं किया, थोड़े लोग चंगे हुए जो विश्वास की दशा में जी रहे थे, पर बहुत सारे लोग वैसे आए और वैसे चले गए, क्योंकि उन्होंने अपने हार्ट को, उन्होंने अपने हृदय को यीशु के लिए तैयार नहीं किया, उन्होंने अपने मनों को यीशु के लिए तैयार नहीं किया, उन्होंने अपने विचारों को मसीह के लिए सही अंगीकार नहीं किया। बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलो, सही अंगीकार नहीं किया। उस अंगीकार में संदेह था, उस अंगीकार में व्याकुलताएं थी, उस अंगीकार में घबराहट था, विश्वास की जगह नहीं थी। कौन सी जगह? विश्वास की जगह नहीं थी। जब विश्वास की जगह नहीं होगी तो आपके अंदर संदेह होगा। संदेह होगा कि नहीं होगा, जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आशीष मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह संदेह लंबे समय तक ट्रेवल नहीं कर सकता। यह संदेह लंबे समय तक आपके साथ, वो मसीह के साथ यात्रा नहीं कर सकता, वो आपको लेके डूब जाएगा। पर हाथ उठाओ आज, सब जन बोलो, आज मैं विश्वास की दशा में, शुद्ध मन की दशा में, शुद्ध आचरण की दशा में, शुद्ध विवेक की दशा में, सच्चे मन की दशा में, सच्चे विश्वास की दशा में, मैं अपने दिल को, मैं अपने मन को यीशु के लिए खोलता हूं। मेरा विश्वास है, अविश्वास नहीं, विश्वास है, विश्वास है कि यीशु मेरे जीवन में अपनी उपस्थिति शक्तिशाली रीत से देने जा रहे हैं, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।